एवरीवन, माय नेम इज़ मरियम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं बोर हो रही थी और मैंने सोचा कि लेट्स शूट अ व्लॉग फॉर माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना एरिया विच इज़ सफारी विलाज। और ये सारा सफारी मतलब जंगल के थीम पर बना हुआ है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर है ज़ू, एक छोटा सा ज़ू बना हुआ है यहाँ पे बच्चों के लिए। और ज़्यादा नहीं है पर थोड़े बहुत जानवर हैं इसमें, लाइक माउंटेन लायंस और ऐसी चीज़ें। बड़ा पीसफुल सा एरिया है। पता नहीं इस टाइम सुबह के आई थिंक कोई 11-12 बजे हैं, लायंस जाग भी रहे होंगे कि नहीं, आई डोंट नो। केव तो बंद है उनकी, पता नहीं। किसी उस साइड है स्पोर्टेड डियर। ऑस्ट्रिच देखने के बाद मैं दूसरी साइड पे गई और वहाँ पे पीकॉक्स थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और दूसरी साइड पे सामने पी हेंस भी थी और पी हेंस तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा थी उनसे। पीकॉक्स तो 2-3 ही थे लेकिन पी हेंस बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छी लग रही थी। सफारी विलास के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि ये पेरेटाउन लाहौर का सबसे ओल्डेस्ट ब्लॉक है जो सबसे पहले बना था, और फिर भी अभी तक बहुत प्यारा है सिर्फ इसके मेंटेनेंस की वजह से। और बहुत पीसफुल है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे स्टेज पे आई हूँ, जैसे स्टेज बनी हुई है और जैसे बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है। सामने बच्चों के लिए पार्क वगैरह बनाया है, ऐसे झूले वगैरह लगे हुए हैं, लाइक बच्चे छोड़े जा सकते हैं। ये सामने मस्जिद है और इस साइड पे है सफारी पार्क और यहाँ से इसका व्यू बहुत प्यारा है। लेट मी शो यू, यहाँ पे सारे घर ही हैं और पार्क का व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। चलो अभी नीचे चलते हैं, पार्क में चलते हैं। We'll enter the park now. हम भी मैं जा रही हूँ यहाँ से पार्क से होके ट्रफलगर स्क्वायर, वहाँ पे थोड़ा बैठने की स्पेस है। वैसे यहाँ पर बैठ सकते हैं बट वो ज़्यादा प्यारा, वहाँ जाके बैठ के थोड़ा सा चिल करते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। शाम को वॉक के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए इट्स द बेस्ट प्लेस। और यहाँ से मैं जा रही थी अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जो था ट्रफलगर स्क्वायर, जो ओरिजिनली तो सेंट्रल लंदन में है और 19th सेंचुरी में बना था। और यहाँ पे फिर जब एरिया वाले ने सफारी बनाया तो उन्होंने वैसे ही सेम एक ट्रफलगर स्क्वायर बनाया। एंड स्पेस बनाई हुई है, लायंस हैं और बैठने के लिए स्पेस है। रात को ये बड़ी प्यारी लगती है क्योंकि रात को यहाँ पे लैंप्स वगैरह चल जाते हैं। ये फाउंटेन है पर ये भी नहीं चलता, पता नहीं क्यों। बनाया तो बहुत कुछ है लेकिन चलता कम ही है। ओके, सो यहाँ पे बैठने की स्पेस है। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और बहुत थक गई हूँ कि धूप बहुत थी। और अभी यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा चिल करते हैं।
यहाँ पे आई थी किड्स पार्क की तरफ, और यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह बनाए हुए हैं। इस साइड है मॉल और ये सामने फायर ब्रिगेड का है। गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं पूरे बैरियर में से, यहाँ पर यहाँ से जाती हैं। और ये है सफारी मॉल, और यहाँ से तकरीबन हमें हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है पास से, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे घर से, तो हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है हमें। और अभी आई थिंक नेक्स्ट है बैडमिंटन कोर्ट, और यहाँ पे सुबह टाइम तो कम लोग होते हैं बट शाम टाइम आई थिंक काफ़ी लोग होते हैं यहाँ। ओके, तो ये आ गया बैडमिंटन कोर्ट। हाँ, इसे देखते हैं। वैसे तो मैं पहले कभी नहीं आई, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही बैडमिंटन कोर्ट आई हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी नेट्स वगैरह लगी हैं बैडमिंटन के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ घर वापस, क्योंकि हमने काफ़ी कवर कर लिया है। आई थिंक बैरियर में जो भी बैरियर में नहीं, सफारी में जो भी इंटरेस्टिंग और कुछ टूरिस्ट प्लेस थी वो मैंने आपको दिखा दी। और अभी मैं जा रही हूँ घर। कब से मैं वेट कर रही थी कि ये बुक फेयर लगा हुआ ये खुल जाए, और अभी ये खुला है बुक फेयर। ओके जी, तो आज हमने सारे सफारी के टूरिस्ट स्पॉट्स कवर कर दिए हैं, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट।